तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद क्या ऑफलाइन या फिजिकली भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था, उसी के बेस पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्त मैं आपको बता दूँ, देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका दोनों तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो मैं बात करूंगा इसमें कि किस किस कंडीशन में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होता है, किस कंडीशन में सिर्फ ऑनलाइन होता है और किस कंडीशन में सिर्फ ऑफलाइन होता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, तो पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स का होता है जो कि आपके मार्कशीट रिलेटेड हो गया, मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, और इसके बाद में सैलरी स्लिप हो गया, पीएफ डिटेल हो गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते हैं। अब देखो फॉर सपोज आपने कहीं से 10th किया, कहीं से 12th किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट वहाँ पे सबमिट करी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो वो जाके आपके कॉलेज में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं मेरे दोस्त। उसमें जो रोल नंबर होता है या एक नंबर होता है जहाँ से बेसिकली वो आपका डेटा निकालते हैं और वहाँ से वो फाइंड आउट कर लेते हैं, या आपकी डिग्री हो गई, या आपका आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया, चाहे वो बीटेक, बीसीए, बीएससी, एमएससी कुछ भी किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन की। तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आपका एड्रेस आता है, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर उनको चेक करना है, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो ऑफलाइन होता है। और जो आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह सबमिट किया हुआ होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो वो ऑनलाइन भी होता है, वो एक बार पोर्टल पे भी वेरीफाई करते हैं, और ऑफलाइन भी होता है, मीन्स वो फिजिकली विजिट करके भी आपके घर पे करते हैं। वो बात अलग है कि कई बार वो घर पे नहीं भी जाते हैं और बैकग्राउंड वेरीफिकेशन कर लेते हैं, बट द थिंग इज हियर कि रूल यही कहता है बैकग्राउंड वेरीफिकेशन का कि आप एम्प्लॉय का जो डेटा है वो फिजिकली भी वेरीफाई करो, एड्रेस वगैरह का, और उसको ऑनलाइन भी एक बार वेरीफाई करो। तो ये हो गए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के दोनों तरीके जहाँ से डेटा चेक होता है। अभी मैं बात करूँ अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, एक्सपीरियंस के लिए जो डेटा चेक होता है तो वो मोस्टली डेटा जो है वो ऑनलाइन ही चेक होता है पूरा का पूरा। 20-30% केसेस में आपका डेटा ऑफलाइन भी चेक होता है। अभी देखो कई बार आप सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, बैंक स्टेटमेंट सारी चीज़ें डालते हो, कंपनी का एड्रेस डालते हो या कंपनी का नाम डालते हो, तो वो क्या करते हैं कई बार जब उन्हें डेटा कुछ इनकरेक्ट लगता है, उनको समझ नहीं आता है ऑनलाइन चेक करने में, तो क्या करते हैं कि उस नाम की कंपनी, जैसे मान लो कोई ABC कंपनी है, अब ये नहीं कि विप्रो, HCL, TCS, IBM, इन्फोसिस वगैरह कंपनी में जाकर चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ये कंपनी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो उनको नहीं पता या उनके नॉलेज में नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो आपने कंपनी का नाम दिया वो चीज़ क्या है कि अपने पोर्टल पे चेक करने के बाद उसके बाद एक बंदा फिजिकली अरेंज कराते हैं कि ये कंपनी है इस एड्रेस पे है, वहाँ पे जाके आप फिजिकली विजिट करो कि वो कंपनी वो जगह एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो कंपनी उस लोकेशन पे है कि नहीं। तो इन कंडीशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। बाकी अगर आपको डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या नेटवर्क सपोर्ट की अगर किसी भी तरीके की आप जॉब सर्च कर रहे हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी मेरा अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर परचेस करने आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट के, तो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरा बेस्ट रिज्यूमे चाहिए तो नीचे लिंक पे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 100% सेलेक्ट कराएगा जॉब इंटरव्यू में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।